Welcome to One and All. We started with the chapter number systems and we completed two lectures for this chapter. Basically, we completed the meaning of computer and the number system and we completed the types of numbers. Okay, now in this lecture, we'll proceed with decimal to binary conversion and binary to decimal number conversion. Okay, what it means ki agar कंप्यूटर में हम कोई डेसिमल नंबर टाइप करते हैं बिकॉज वी कैन ओनली टाइप डेसिमल नंबर्स फ्रॉम आवर कीबोर्ड. ओके, सो हम 0 to 9 में कुछ भी नंबर्स टाइप कर रहे हैं. सो हाउ कंप्यूटर गेट दैट वी आर टाइपिंग 6, 7, 8 वॉट एवर वी आर टाइपिंग. सो हम लोग क्या टाइप कर रहे हैं, कंप्यूटर को कैसे समझता है, क्योंकि कंप्यूटर उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करता है. ओके, सो वी लर्न दैट मेथड. लेट स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू अगेन अ meaning of decimal number. Decimal number, decimal means 10. First of all, decimal ka kya meaning hai 10. Base of decimal number is 10. Means if you are representing any number, just represent with base. That is very much important ki aap kaun se number use kar rahe ho. Okay, and numbers are 0 to 9, total 10 numbers. Now, decimal number to binary number conversion. The first problem is, if you are having decimal number 6 to the base 10, okay, so convert it into base 2, that is binary. Agar aapko aisa base likha hua value dikh raha hai, means try to understand that base 2 is for binary numbers. So this will, the meaning of this question is, ki convert this decimal number to binary number. So isme procedure kya hai? डिवाइड गिवन डेसिमल नंबर, व्हाट इट मीन, 6 को डिवाइड करना है किससे, बाय रिक्वायर्ड बेस. बेस क्या है, जो रिक्वायर, मतलब जो रिक्वायर्ड है वो क्या चाहिए आपको, बेस 2. सो वी हैव टू डिवाइड 6 बाय 2. ओके, सी द प्रोसीजर. यू हैव टू डू डिवीजन लाइक दिस. यहाँ पे आपको रिमाइंडर स्टोर करना होगा, ये साइड में आपको रिमाइंडर लिखना है. एंड यू हैव टू ऑलवेज डिवाइड इट बाय 2 व्हेन यू वांट योर नंबर इन बाइनरी. ओके, सो यू कैन सी हियर यू आर हैविंग 6, मींस व्हाट, 2 3 जा 6. सी हियर 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 विल गिव यू 0. सो हियर रिमाइंडर इज 0, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 0. इन आवर नेक्स्ट स्टेप we are having our new value as 3 now. Okay, so 2 1s are 2. If I will divide this 3, what I will get, quotient as 1. So 2 1s are 2 means 3 minus 2 will give you 1 as remainder. Okay, now in next step you can see that we got the least number which we can't divide by 2 now. अभी हमें क्या मिला है, 1, जो divide करना possible नहीं है by 2. फिर अब क्या होगा, ये जो least number है will forward this number towards the side of remainder. जहाँ पे हमने remainder को लिखा है वहाँ पे हम ये 1 को forward कर देंगे like this. Okay, and in next step we have to mark arrow from downward to upward direction. ये क्यों होता है, this is used for the way to write the binary, कि हमें binary लिखना कैसे है, it is 011 और 110, किस direction में लिखना है. So ये direction बताने के लिए होता है. So if you will get such kind of question in your paper or exam, okay, so what you have to do, you have to maintain the arrow. ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कि यू आर नोइंग द स्टेप दैट हाउ टू रिप्रेजेंट दिस बाइनरी वैल्यू इन विच डायरेक्शन. ओके, सो इफ वी विल रिप्रेजेंट इट, क्या मिलेगा, 110 लाइक दिस. ये वाला जो 0 है आपका वो यहाँ पे आएगा. ओके, सो यू कैन ट्राई फॉर नंबर ऑफ डेसिमल नंबर्स 1, 2, 15, 16, 20, 100, आप कितने कोई भी नंबर्स के लिए ट्राई कर सकते हो ऐसे. ओके, सो स्टार्ट विथ स्मॉल नंबर्स ओनली. ओके, लाइक आई स्टार्टेड विथ 6, यू कैन स्टार्ट विथ 7, 10. ओके, तो ट्राई इट विथ
स्मॉल नंबर्स ओनली. नाउ द नेक्स्ट नंबर, इफ डेसिमल नंबर इज 8 to the base 10, एंड स्पेशली प्लीज ऑलवेज इन दिस चैप्टर इफ यू आर राइटिंग और रिप्रेजेंटिंग एनी नंबर रिप्रेजेंट इट विथ बेस. व्हाई? यू कैन सी हियर, इफ आई विल राइट 1000 एंड अगेन 1000, ओके, सो कॉमन मीनिंग फॉर दिस इज 1000, व्हाट वी नो. बट इफ आई विल राइट इट एज बेस 2, सो द मीनिंग चेंज्ड. नाउ द मीनिंग इज चेंज्ड, तो इसका मीनिंग बाइनरी में हो गया. और ये अगर इसको मैंने बेस 10 लिख दिया तो दिस इज 1000, ओके. सो इन दिस चैप्टर यू हैव टू रिप्रेजेंट एवरी नंबर बाय बेस. अगर नहीं रिप्रेजेंट किया तो उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा एंड इट विल बी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू टू स्कोर इन दिस चैप्टर. बट दिस चैप्टर इज रियली वेरी मच स्कोरिंग. सो अगेन यू हैव टू डिवाइड दिस 8 by 2. Let's start. If you will divide, start dividing this 8 by 2, what you will get in quotient? 2 fours are 8. Okay, and at the place of remainder, 8 minus 8 will give you 0. There is complete division. Okay, now 2 twos are 4. Again, complete division, then remainder is 0. Keep in mind, at the time of decimal to binary number conversion, you won't get remainder other than 0 and 1. Keep in mind, okay? You won't get remainder other than 0 and 1. Now, what you got next number as 2. So, again divide this 2 by 2. So, 2 ones are 2. Okay? So, again you got remainder as 0. Now, this 1 is now least number. Ye least number ho gaya. अब यहाँ पे डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, सो विल फॉरवर्ड दिस वन एट द प्लेस ऑफ रिमाइंडर एंड विल मार्क इट फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन. एंड आवर बाइनरी ऑफ 8 विल बी, क्या होगा इफ विल ट्राई टू रीड दिस, इज 1000, ओके, इन दिस डायरेक्शन. जैसे ये डायरेक्शन है वैसे सेम ये डायरेक्शन है, ओके, 1000. सो आई होप कि आपको ये बहुत सिंपल वे में मैं बता रही हूँ और आपको समझ में भी आ रहा है. एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग, सो प्लीज़ मेंशन थ्रू कमेंट और थ्रू ईमेल, ओके. नेक्स्ट नंबर, मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा नंबर लिया है जिससे आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करने में आसानी होगी. नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 25 to the base 10, ओके. अगेन वी हैव टू स्टार्ट डिवाइडिंग इट बाई 2. सो 2 12s विल गिव यू 24, ओके. 25 तो नहीं आएगा, सो 2 12s और 12 2s विल गिव यू 24. तो 25 minus 24, रिमाइंडर विल बी 1, ओके. सो कितना भी बड़ा नंबर आप डिवाइड कर लो, यू विल गेट रिमाइंडर एज 0 और 1 ओनली. नाउ 2 6s 12, रिमाइंडर विल बी 0. 12 minus 12 विल गिव यू 0. इन द नेक्स्ट डिविजन, नाउ इन द नेक्स्ट वैल्यू इज 6, देन 2 3s 6, ओके. 6 minus 6 विल गिव यू 0. इन नेक्स्ट स्टेप 2 1s 2, नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 3, सो डिविजन विल गो ओनली 1 टाइम. 2 1s 2, ओके. सो 3 minus 2 विल गिव यू 1. एंड द नेक्स्ट नंबर इज लीस्ट नंबर, सो विल फॉरवर्ड दिस वन एट द प्लेस ऑफ रिमाइंडर एंड विल मार्क फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन एंड विल गेट बाइनरी ऑफ 25 एज 11001, ओके. सो इन दिस वे यू हैव टू प्रैक्टिस एंड दिस इज द ओनली पैटर्न बाय विच यू हैव टू रिप्रेजेंट इन योर एग्जाम, ओके. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट don't miss anything when you are practicing it. Try to draw this lines properly. Try to maintain the base. यहाँ पे किसी किसी को प्रॉब्लम हो जाता है कि 2 की जगह पे वो लोग 3 भी लिख देंगे. But try to recollect it that you want binary numbers, so it will be always 2 here. Okay? And one more thing to keep in mind that
ऑलवेज यू विल गेट रिमाइंडर एज वन और जीरो ओनली. इफ यू आर गेटिंग टू थ्री मोर देन वन, सो यू हैव टू चेक योर प्रॉब्लम वेरी केयरफुली. ओके, सो यू कैन प्रैक्टिस फॉर नंबर ऑफ डेसिमल नंबर्स सो दैट आपको एग्जाम जब भी होगा तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, अभी अगर मुझे ये क्लियर करना है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 25 का ही बाइनरी है? ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, बट आपके माइंड में होगा कि ये 25 का ही बाइनरी है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? सो फॉर दिस टू और टू क्रॉस चेक इट, वी विल कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर. ओके, अभी हम लोग कोई भी बाइनरी नंबर लेके उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. सो आई यूज्ड और आई डिड दोज प्रॉब्लम्स ओनली विच आई डिड जस्ट नाउ, दैट इज़ फॉर 6, 8 and 25, सो दैट आई कैन प्रूव यू दैट वॉट एवर वी गॉट दोज नंबर्स आर करेक्ट. ओके, सो हियर वी हैव टू यूज़ द पावर ऑफ टू. ओके, मतलब यहाँ पे टू लिखना है और पावर में 0, 1, 2 ऐसे सीक्वेंस में आएगा, कितना भी हो सकता है जितना हमारा बड़ा बाइनरी नंबर होगा. सो जस्ट कीप इन माइंड 2 raised to 0 विल गिव यू 1 अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडाइसेस. 2 raised to 1 विल गिव यू 2, 2 raised to 2 दैट इज 2 square विल गिव यू 4, 2 raised to 3 विल गिव यू 8, 2 raised to 4 विल गिव यू 16 एंड 2 raised to 5 इज 25. लाइक दिस इट विल बी कंटिन्यूड. अगर नंबर बड़ा है सो आपको 2 raised to 6 विल गिव यू 64, ऐसा कंटिन्यू रहेगा. बट इन योर एग्जाम यू वोंट गेट मोर देन 2 raised to 5 और 2 raised to 6. ओके, जस्ट यू हैव टू डबल द नंबर. यहाँ पे पावर लिखते जाना है 2 के ऊपर और यहाँ पे नंबर्स को डबल करते जाना है. लेट्स सी, इफ यू वांट टू कन्वर्ट 1000 टू द बेस 2 टू बेस 10, व्हाट यू शुड डू? अगर आपको कन्वर्ट करना है 1000 टू द बेस 2 टू बेस 10, हमें क्या नंबर मिलेगा? वी डोंट नो. सो व्हाट इज द प्रोसीजर? लेट्स सी, मल्टीप्लाई द बाइनरी नंबर विथ पावर ऑफ 2. ओके, तो क्या करना है इसमें, तुम्हें मल्टीप्लाई करना है बाइनरी नंबर, मल्टीप्लाई दिस बाइनरी नंबर विथ पावर ऑफ 2, जो जस्ट अभी हमने ये पढ़ा है ना, इससे मल्टीप्लीकेशन होगा. बट कैसे? फ्रॉम LSB. LSB किसको बोलते हैं? सी, LSB मीन्स लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट. तो ये साइड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड जो पहला बीट रहता है, दिस इज नोन एज LSB. एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला बीट रहेगा, दिस इज नोन एज MSB. ओके, दिस इज नोन एज MSB. सो कीप इन माइंड व्हाट इज LSB एंड व्हाट इज MSB. इट विल हेल्प यू इन 12th ऑल्सो. लेट्स स्टार्ट. सी हियर, द वैल्यू यू आर हैविंग इज 1000. जस्ट सेपरेट दीज वैल्यूज. If I'll separate it, I'll write 1000. बस मुझे ये थोड़े नंबर थोड़ा गैप दे के लिखना है. ठीक है, लिखने के बाद क्या करना है, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस LSB से मुझे स्टार्ट करना है और पावर पुट करना है. द फर्स्ट वैल्यू विल बी विथ पावर 2 raised to 0, नेक्स्ट विल बी विथ 2 raised to 1, अगेन नेक्स्ट विल बी 2 raised to 2, एंड लास्ट विल बी विथ 2 raised to 3. सो हमेशा जब भी आप पावर मेंशन करो, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम LSB टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. ओके, राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करना है. सो यू कैन सी 0 के साथ मैंने क्या लिखा, 0 into 2 raised to 0. विथ दिस 0 into 2 raised to 1, 0 into 2 raised to 2, एंड 1 into 2 raised to 3. सो यू कैन सी एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 0 विल गिव यू 0. ओके, एंड 2 raised to 3 इज 8. So 1 into 8 will give you 8. 8 plus 0 plus 0 plus 0 will give you 8. So 1000 with base 2 is the binary of decimal number 8, which I have already solved for you. So आप वहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो, इसलिए मैंने सेम नंबर लिया है जिससे वो कन्फर्मेशन हो जाए कि बाइनरी कैसे सॉल्व करते हैं. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट नंबर. नेक्स्ट नंबर इज 110 to the base 2, and you want this number in base 10. Again, multiply with the power. So I'll just represent this number. That is, the first number from LSB is with power 2 raised to 0. Next number will be 2 raised to 1.
एंड आवर लास्ट नंबर विल बी विथ 2 raised to 2. सो जस्ट मल्टीप्लाई 1 into 2 raised to 2. नेक्स्ट नंबर इज 1 into 2 raised to 1 एंड 0 into 2 raised to 0. जस्ट एड दीज नंबर्स. सो दिस विल गिव यू 4, दिस विल गिव यू 2 एंड एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 is 0. सो टोटल विल बी 6. ओके, सो बाइनरी ऑफ 6 इज 110. ये हमने पहले ही चेक किया था. एंड नाउ 110 विद बेस 2, इसका डेसिमल नंबर क्या मिला? 6. सो हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो भी बाइनरी नंबर था वो करेक्ट है. ओके, सो सम टाइम इन पेपर इफ यू आर कंफ्यूज्ड, जस्ट डू इट इन अपोजिट वे एंड गेट योर आंसर करेक्ट. तो आपको वहीं पे क्लियर हो जाएगा कि आपका वैल्यू बराबर है कि नहीं. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट नंबर 1100 विद बेस 2 एंड कन्वर्ट दिस नंबर इन बेस 10. वी डोंट नो कि ये 1100 क्या है. लेट्स स्टार्ट अगेन. स्टार्ट पुटिंग पावर फ्रॉम द LSB साइड 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4. If you want to write such kind of thing in your paper, write it with pencil. Okay, if you want to write it on the top of binary numbers parallelly, so write it with pencil, don't write it with pen. Okay, क्योंकि ये मैं रफ वर्क है, ये मैं बता रही हूँ और आपको वो मैपिंग करके बता रही हूँ. सो योर फर्स्ट नंबर इज 2 raised to 0 into 1. यू कैन सी हियर मैंने यहाँ पे लिखा. नेक्स्ट वन इज 0 into 2 raised to 1. नेक्स्ट इज 0 into 2 raised to 2 एंड 1 into 2 raised to 3, 1 into 2 raised to 4 एंड यू हैव टू ऐड दीज नंबर्स आफ्टर सॉल्विंग. 2 raised to 4 means 16, 2 raised to 3 is 8. These two terms are multiplied by 0, so you will get ultimate 0. And 1 into 2 raised to 0 means 2 raised to 0 will be 1 and this will give you 1. 1 into 1 will be 1. So 16 plus 8 plus 1, this will give you value as 25. Okay, so 1100 ये जो binary number लिखा था इसका decimal number हमें क्या मिला? 25. सो हमने तीनों वैल्यू को क्रॉस चेक कर लिया. एंड यू कैन सी मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट करने पे भी पावर मेंशन किया, सॉरी बेस मेंशन किया है. प्रॉब्लम एंड होने पे भी मैंने बेस मेंशन किया है. सो राइट इट इन द सेम वे इन एग्जाम. ओके, अदरवाइज इफ यू विल मिस पावर, सॉरी बेस, सो दैट टाइम यू विल लूज योर हाफ मार्क. ओके, बिकॉज that number we don't know that this is in binary or decimal or octal. इसलिए power mention करना बहुत important है when you are starting the problem and you when you are ending it. Okay, so I have given you here number of problems for practice and you can practice at home. और इसका जो भी binary मिल रहा होगा आपको उसको आप opposite way में cross check करो खुद से. डेसिमल टू बाइनरी जब इसका निकालते हो तो इसका फिर से अपोजिट वे बाइनरी टू डेसिमल नंबर में क्रॉस चेक कर लो. सेम वे हियर, यहाँ पे मैंने बाइनरी के कुछ नंबर्स दिए हैं, यू विल गेट इन डेसिमल नंबर. अगेन कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर्स वॉट एवर यू विल गेट इन बाइनरी, सो यू कैन क्रॉस चेक इट बाय योर सेल्फ ओनली. ओके, सो ट्राई टू प्रैक्टिस दिस मैनी प्रॉब्लम्स एट होम बाय योर ओन ओनली. कहीं से कुछ आप गूगल मत करो, खुद से ट्राई करो. सो इफ़ यू विल प्रैक्टिस पैरेलली विद द वीडियो, यू विल बी मास्टर इन दिस चैप्टर नंबर सिस्टम्स. ओके, सो देयर विल बी नो कन्फ्यूजन व्हेन वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक इन दिस चैप्टर. एंड द न्यू टॉपिक विल बी डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर एंड बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन्स ओनली, बट इट विल बी फॉर फ्रैक्शनल नंबर. अभी तक हमने क्या किया? कंप्लीट नंबर के लिए किया था. नाउ हियर इट विल बी फॉर फ्रैक्शनल नंबर लाइक 10.625, 1.725. ऐसे नंबर्स अगर हैं तो उसका बाइनरी कैसे फाइंड आउट करना. ओके, सो अगर आपको ये प्रीवियस वाला लेक्चर अगर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, देन ओनली यू कैन डू दिस कन्वर्जन्स. सो प्लीज़ प्रैक्टिस एट होम एंड इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट प्लीज़ मैंशन through comment or through email. Okay, till that time practice these many problems more and more, and you can practice number of problems by creating
बाय योर ओन, जो भी आप नंबर्स लेके ट्राई करना चाहते हो आप खुद से क्रिएट कर सकते हो प्रॉब्लम्स. ओके, थैंक यू क्लास.